नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल क्रिक इन्फॉर्मर में। मैं सुरेश भूषण त्रिपाठी आज बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे मैच प्रीव्यू लेकर उपस्थित हूं। ये पहला T20 मैच जो कि जिम्बाब्वे वर्सेस बांग्लादेश जिम्बाब्वे में खेला जाएगा, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। कई नए प्लेयर हैं बांग्लादेश टीम के और उनके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि वो प्लेयर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में कैसा किए हैं उनको जाने बिना अगर आप अपनी टीम में इंक्लूड कर लेंगे तो आपके टीम के लिए वो घातक साबित हो सकते हैं। तो हम सारा कुछ इस वीडियो प्रीव्यू में देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप सभी लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पर आपको सारा फाइनल अपडेट मिलेगा। तो चैनल से जुड़ने के लिए जो दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं, पहला ये, या तो आप जाकर जो पिंड कमेंट है यूट्यूब का, उस पिंड कमेंट को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दूसरा ये जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, उस प्रोसेस को आप फॉलो करिए और उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। तो जो प्रोसेस फॉलो करना है, आपको टेलीग्राम ऐप ओपन कर लेना है। टेलीग्राम ऐप ओपन करने के बाद आपको सर्च ऑप्शन में जाना है और @CricInformer एज इट इज जैसे मैंने टाइप किया हुआ है वैसे टाइप कर लेना है। आप @CricInformer पे भी जुड़ सकते हैं और हमारे @CricInformer न्यूज सेक्शन, न्यूज वाले पार्ट से भी जुड़ सकते हैं। इस न्यूज सेक्शन में आपको सारे न्यूज मिलेंगे जो भी ट्रेंडिंग न्यूज है, और अगर आपको लास्ट मोमेंट का फैंटसी अपडेट्स पाने हैं तो @CricInformer 4,04,000 के करीब का जो चैनल है उससे आपको जुड़ जाना, और यहीं पे आपको फाइनल ड्रीम 11 टीम और टिप्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं मैच प्रीव्यू के बारे में। पहले बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट। तो हरारे स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में ये मैच खेला जाने वाला है। यहाँ पे जनरली 150 से 170 के बीच स्कोर बनता है, और जो भी बैटर्स अपने आप को समय देते हैं इस पिच पे वो अच्छा खासा स्कोर करके जाते हैं। अगर हम लोग बात करें तो जो भी समय देता है बैटर्स अपने आप को इस ग्राउंड पे वो अच्छा खासा स्कोर करके जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पिछले 3 स्कोर कार्ड की इस पिच पे। तो एक अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे का जो सीरीज हुआ था उसमें अफगानिस्तान ने एक तरफा जीत हासिल की थी, लेकिन आप वहाँ पे भी देख सकते हो तो पिछले 2 मुकाबले में 170 से 160 के बीच में स्कोर बना हुआ है और अफगानिस्तान ने डोमिनेट किया हुआ है। अगर अफगानिस्तान खेलती है किसी के भी पक्ष में तो आप जानते ही हो कि उनके स्पिनर्स काफ़ी स्किलफुल स्पिनर होते हैं तो विकेट अच्छा खासा लेकर जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग स्पिन वर्सेज पेस की बात करें तो यहाँ पे पेसर्स को ज़्यादा एडवांटेज रहता है इन कंपेरिजन टू स्पिन। अब हम बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे मैच प्रीव्यू के बारे में। जिम्बाब्वे टीम सेम टीम के साथ खेलेगी जो उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ खिलाया हुआ था फाइनल मैच में ICC T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के, और वहाँ पे 2 प्लेयर चोटिल थे उनके, टेंडई चटारा और ब्लेसिंग मुजरवानी, और वही 2 प्लेयर यहाँ पे भी मिसिंग हैं क्योंकि इंजरी अभी वो रिकवर नहीं कर पाए हैं, तो वो 2 प्लेयर मिसिंग हैं। तो सेम प्लेइंग 11 ये के साथ उतरना चाहेंगे, और इन्होंने वर्ल्ड कप के क्वालिफायर में भी क्वालिफाई कर लिया है, T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया, ये काफ़ी अच्छी बात है, और उनके प्लेयर हाई ऑन कॉन्फिडेंस होंगे इस मैच में। अगर हम लोग बात कर लेते हैं टीम ब्रेकअप की, आपके स्क्रीन पे यही इनके मेन बैटर, यही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। प्रोबेबल 11 की बात कर लेते हैं और कौन कौन से प्लेयर्स कितने ओवर डाल सकते हैं ये भी देखेंगे। तो ओपन करते हुए आर चकावा, क्रेग इरविन दिखेंगे, सीन विलियम्स 1 डाउन, डब्ल्यू मधुवीरे 2 डाउन, सिकंदर राजा, उसके बाद एम सुम्बा भी हीटर हैं, अच्छे हैं, और आर बल, उसके बाद वेलिंगटन मस्कदाजा, टोनी मानुयंगा, फिर ल्यूक जांगवे, आर नगारवा। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से ओवर डेथ में बॉलिंग करेंगे। तो ल्यूक जांगवे श्योर है कि डेथ में बॉलिंग करेंगे, क्योंकि मुजरवानी भी नहीं है, चटारा भी नहीं है, तो इनका डेथ में बॉलिंग करना ऑलमोस्ट श्योर है, 4 ओवर बॉलिंग करके जाएंगे। कटर भी फेंकते हैं। आर नगारवा इनका साथ देते हुए आपको डेथ में 1 ओवर दिख सकते हैं। टोनी मानुयंगा बीच में बॉलिंग कर सकते हैं तो कर सकते हैं, वैसे हैं ये बल्लेबाज, अच्छे बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं, काफी नीचे बैटिंग आएगी। वेलिंगटन मस्कदाजा इनके प्रमुख स्पिनर, 4 ओवर आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बर्ल आपको 2 से 3 ओवर करते हुए दिखेंगे, अगर वो 2 से 3 ओवर में अच्छा डाल गए तो 4th ओवर भी ये करके जाएंगे। सिकंदर राजा और सीन विलियम्स भी कुछ ओवर फेंकते हुए देखेंगे। आप अगर हम बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस के बारे में, ये तो प्रोबेबल 11 था, फिर इंपॉर्टेंट पिक्स फॉर योर ड्रीम 11 टीम, और ये सब आप हमारे cricinformer.com वेबसाइट पे देख सकते हैं जाकर।
तो अब हम बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में। आर चकाउबा ओपन करते हुए आपको दिखेंगे काफ़ी बेहतरीन प्लेयर, अच्छा खासा हिटिंग करेंगे, पावर प्ले में उपयोग कर सकते हैं, पावर प्ले का अच्छा खासा रन बना सकते हैं। आपको अगर 20 से 30 रन बनाकर गए प्लस विकेट कीपिंग स्किल इनकी एड ऑन एडवांटेज होगी तो एक अच्छे पिक हो सकते हैं आपकी टीम में। क्रेग इरविन काफ़ी बेहतरीन प्लेयर हैं लेकिन इनका रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है जिस कैलिबर के प्लेयर हैं। 360 डिग्री के प्लेयर हैं सर, रिवर्स स्विंग, पैडल स्विंग, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव सब कुछ खेलते हैं। एक जानदार प्लेयर, जिम्बाब्वे टीम के कप्तान भी हैं लेकिन इनके साथ यही ड्रॉबैक है कि इनका रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है। फिर भी आपके लिए स्मॉल लीग टीम में अच्छे पिक होंगे। एम सुम्बा काफ़ी लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग करने आएंगे, उतनी बैटिंग आएगी भी नहीं, उतने स्किलफुल प्लेयर हैं भी नहीं, हालांकि हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, कुछ अच्छा खासा स्कोर लोअर डाउन द ऑर्डर बना सकते हैं, आपके लिए ठीक पिक नहीं होंगे स्मॉल लीग टीम में। इनोसेंट किया के खेलने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी एक अच्छे पिक हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन अगर ओपनिंग करने हैं तो आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन ये ओपनिंग करने आ नहीं रहे, काफ़ी नीचे इनको बैटिंग खेल भेजा जा रहा है अगर खेले तो। टी मुनियोंगा खेल तो रहे हैं ठीक है लेकिन उतने अच्छे पिक नहीं साबित होंगे अभी तक, अभी इनको इंटरनेशनल टीम में परफॉर्म करना बाकी है इंटरनेशनल लेवल पे। टी मुरमानी नहीं खेलेंगे। सीन विलियमसन इनके सबसे बेहतरीन प्लेयर, बैटिंग भी करके जाएंगे, बॉलिंग भी करके जाएंगे, ये या तो वन डाउन बैटिंग करने आएंगे या तो टू डाउन बैटिंग करने आएंगे। इसमें चांसेज ये है कि अगर इरविन आउट हो जाएंगे तो विलियम्स बैटिंग करने आएंगे, अगर आपके रेजिस चकाउबा आउट होंगे तो आप फिर मधुवीरे को वन डाउन बैटिंग करते हुए दिखेंगे क्योंकि ये लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन मेंटेन कर चल रहे हैं। तो ये चांसेज होंगे सीन विलियम्स के बैटिंग करने के, या तो वन डाउन या तो टू डाउन, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर, चार ओवर दो से तीन ओवर आपको बॉलिंग भी दे सकते हैं और बैटिंग के तो पूछने ही नहीं, ये भी 360 डिग्री के प्लेयर हैं, स्वीप, पैडल स्वीप सब कुछ खेलते हैं, तो ये आप मस्ट हैव पिक हो जाते हैं आपकी टीम में, प्लस आपके लिए कैप्टेंसी के चॉइस भी हो जाते हैं। सिकंदर राजा इनका रिसेंट परफॉर्मेंस काफ़ी जानदार रहा है और ये सीन विलियम्स के बाद नंबर 5 पे बैटिंग करने आते हैं और ये काफ़ी हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, प्लस आपको 2 से 3 ओवर बॉलिंग करके भी दे सकते हैं, तो ये भी आपके एक सीवीसी के लिए अच्छे विकल्प हो जाते हैं। इनका रिसेंट परफॉर्मेंस काफ़ी जानदार था, इन्होंने जो क्वालिफायर मैच खेले गए थे उसमें काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था, 1 में 84 रन भी बनाया था, तो काफ़ी बेहतरीन प्लेयर आपके मस्ट टीम में मस्ट हैव पिक हो जाते हैं। डब्ल्यू मधुवीरे हैं तो अच्छे प्लेयर, टेक्निकली सॉलिड प्लेयर, लेकिन अभी इनको बॉलिंग मिल नहीं रही है, फिर बॉलिंग मिल नहीं रही है तो ये एक एवरेज से पिक बन जाते हैं क्योंकि ये बैटिंग में उतना भी इनका पोटेंशियल नहीं है कि एक तरफा आपको हरा दें अगर चले भी तो 20 से 30 रन मान के चलिए अगर बनाए तो ठीक, नहीं तो फिर आपके लिए मतलब आप इनको जीएल टीम में ट्राई कर सकते हो। आर बल ये इनके बारे में डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये आपको डिफरेंशियल पॉइंट दिला सकते हैं, हालांकि बैटिंग इनकी काफ़ी लोअर डाउन द ऑर्डर आती है इसलिए स्मॉल लीग टीम में एक रिस्की पिक हो जाते हैं आर बल, लेकिन आप जीएल टीम में रोटेट कर सकते हो। हाँ, अगर आपको रिस्क लेना है एक दो प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हो तो ये भी एक स्मॉल लीग टीम में कंसिडरेबल पिक हो जाते हैं क्योंकि ये आपको 2 से 3 ओवर बॉलिंग करेंगे, अगर इनका बॉलिंग का फॉर्म रिसेंट का देखें तो ये 1 से 2 विकेट लेकर चले जा रहे हैं, और अगर बैटिंग में लोअर डाउन द ऑर्डर अगर बैटिंग आ गई तो ये आपको अच्छा खासा स्कोर भी मतलब 20 से 30 रन बनाकर दे सकते हैं, तो ये एक कंसिडरेबल पिक हो सकते हैं, बट हाँ रिस्क इन्वॉल्व रहेगा कि अगर बॉलिंग में इन्होंने विकेट नहीं लिया तो फिर बैटिंग से आप उतनी उम्मीद नहीं कर सकते इनके साथ। ल्यूक जांगवे एक बेहतरीन बॉलर, कटर का इस्तेमाल करते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर, डेथ में बॉलिंग करने के लिए जाने जाते हैं, और अगर मुजरबानी और चटारा नहीं है तो एक सीनियर बॉलर का भी रोल निभाते हुए दिखेंगे, तो इनका 4 ओवर करना यहाँ पे अनिवार्य हो जाता है और एक मास्टर पिक आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। डब्ल्यू मस्कदाजा इनके सबसे इंपॉर्टेंट स्पिनर, हालांकि विकेट टेकिंग उतना नहीं रहते हैं, स्टंप टू स्टंप लाइन मेंटेन करके चलते हैं, आप इनको जीएल टीम में रख सकते हो। आर नगारवा अभी तक कुछ खास उतना इंटरनेशनल परफॉर्मेंस दिया नहीं है, उतने विकेट टेकिंग ऑप्शन दिखते नहीं है, हालांकि एक आग ओवर डेथ में फेंक सकते हैं तो फेंक सकते हैं लेकिन उतने इंपॉर्टेंट पिक नहीं होंगे, आप जीएल टीम में रोटेट कर सकते हो। इनके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट पिक है नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बांग्लादेश टीम प्रीव्यू के बारे में, बांग्लादेश टीम क्या है, तो बांग्लादेश टीम के प्रीव्यू के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे साकिबुल हसन आपको नहीं दिखेंगे, महमूदुल्ला नहीं दिखेंगे, काफ़ी न्यूली स्क्वाड है, हालांकि बॉलिंग में इनके जो सबसे प्रमुख बॉलर हैं मुस्तफिजुर रहमान आपको खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन बैटिंग लाइनअप इनकी कमजोर हो गई है क्योंकि इनके पास साकिब भी नहीं है, महमूदुल्ला नहीं है, तो एक कमजोर बैटिंग लाइनअप के साथ ये खेलते हुए दिखेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं उनके प्रोबेबल 11 की, पहले प्रोबेबल 11 देख लेते हैं,
तो ये रही बांग्लादेश की प्रॉबेबल 11। लिट्टन दास अनामुल हक आपको ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं, नजामुल हुसैन सैनटो 1 डाउन, आफीफ हुसैन 2 डाउन, सबसे प्रमुख बैटर हो गए हैं इस समय नूरुल हसन। उसके बाद इनके कप्तान इस सीरीज के मुसद्दक हुसैन आपको सातवें नंबर पे बैटिंग करते हुए दिखेंगे, महदी हसन जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पिनर हो जाते हैं इनके टीम के, फिर महदी हसन, मिराज और परवेज हुसैन इमाम में से कोई एक खेल सकता है, देन शरीफुल इस्लाम, फिर मुस्तफिजुर रहमान और नसू मोहम्मद, ये इनकी प्लेइंग 11 हो सकती है। बॉलिंग ब्रेकअप देख सकते हैं, 4 ओवर शरीफुल इस्लाम और 4 ओवर मुस्तफिजुर रहमान कन्फर्म, दोनों डेथ में भी बॉलिंग करते हुए आपको दिखेंगे। नसू मोहम्मद के ओवर्स कट सकते हैं अगर दोनों तरफ से लेफ्ट हैंडर हो जाते हैं तो, एक तो यहाँ पे ये नसू मोहम्मद के साथ ड्रॉबैक रहता है। महदी हसन आपको 4 ओवर करते हुए दिखेंगे तो 12 ओवर, और उसके बाद नसूम अहमद प्लस आपको आफीफ हुसैन, मुसद्दक हुसैन, सायकात, अगर महदी हसन मिराज खेले तो इनके ओवर, इनके बीच ओवर डिवाइडेड होते हुए आप देखेंगे। तो ये था टीम ब्रेकअप की बात कर लेते हैं, इनके मेन आपके स्क्रीन पे है, मेन बैटर लिटन दास, अनामुल हक, आफीफ हुसैन, नजमुल हसन सैंटो, मेन फास्टर मुस्तफिजुर रहमान, शरीफुल इस्लाम, और स्पिनर में महदी और नसूम मोहम्मद, मुसद्दक हुसैन और मुसद्दक हुसैन सायकात और आफीफ हुसैन इनका साथ देते हुए दिख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अनामुल हक ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, हालांकि अगर इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो उतना जानदार नहीं है, फिर भी एक अच्छे बैटर, एक कंसिडरेबल पिक, आप चाहो तो स्मॉल लीग टीम में कंसिडर कर सकते हो। लिटन दास इनके सबसे मोस्ट सीनियर प्रो कह सकते हो, इनका अगर वनडे का इतिहास देखें या टेस्ट में इनका रिसेंट रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी जबरदस्त फॉर्म है, लेकिन T20 में ये इनकन्सिस्टेंट टाइप ऑफ प्लेयर बन जाते हैं, हिटिंग करने के चक्कर में आउट भी हो जाते हैं, लेकिन अगर और प्लेयरों से कंपेरिजन करें इनके प्लेयर जो बैटिंग लाइनअप है उसमें ये एक बेहतरीन पिक हो जाते हैं, स्मॉल लीग के लिए अच्छे चॉइस होंगे, आप चाहो तो अपनी टीम में रख सकते हो। नूरुल हसन इनके कप्तान, लेकिन काफी नीचे, काफी लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग करने आएंगे तो एक अच्छे पिक नहीं होंगे। मुसद्दक हुसैन सायकात ये भी काफी अच्छे बल्लेबाज है, थोड़ा मतलब तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन काफी लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग करने आएंगे, इसलिए ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पिक नहीं हो जाएंगे। हालांकि सायकात के लिए आपको ध्यान देना होगा, ये 102 ओवर बॉलिंग करके जा सकते हैं। आफीफ हुसैन यहाँ पे मस्ट हैव पिक हो जाएंगे, क्योंकि साकिब नहीं है, महमूदुल्लाह नहीं है, तो इनकी बैटिंग नंबर 4 तक आना सियोरिटी हो जाती है, और इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप में ये हमेशा ऊपर आने, मतलब ये ऊपर आएंगे ही आएंगे, तो नंबर 4 तक इनकी बैटिंग प्लस इनकी बॉलिंग 102 ओवर, एक मस्ट हैव पिक, आपके स्मॉल लीग टीम में सबसे बेहतरीन विकल्प, आप इनको अपने टीम में रख सकते हो। सरीरार उतना अच्छा कुछ करेंगे नहीं, महदी हसन इनके सबसे प्रमुख स्पिनर, एक दो यहाँ पे ध्यान देना, एक महदी हसन है, एक महदी हसन, महदी हसन वनडे और टेस्ट कंटिन्यूअस खेलते हैं, और महदी हसन जो जिसके बारे में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ ये T20 मैचेस खेलते हैं, ये बैटिंग करने के लिए भी प्रमोट हो सकते हैं, हिटिंग कैपेबिलिटी इनकी अच्छी है, लेकिन हाँ बस हिटिंग कैपेबिलिटी है, मारने के लिए आते हैं, जो 20 से 30 रन बना ले गए और 4 ओवर आपको बॉलिंग करके जाएंगे 102 विकेट, तो ये भी अच्छे पिक हो जाएंगे आपके लिए स्मॉल लीग टीम में। महदी हसन मिराज अगर खेले तो उस समय देखा जाएगा, लेकिन इनका T20 में खेलना काफ़ी मुश्किल है, फिर भी अगर साकिब महमूद नहीं है तो इनके खेलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी तक इनको T20 में उतना मौका नहीं दिया जा रहा है। रिसेंटली मुस्तफिजुर रहमान इनके सबसे बेहतरीन पिक, सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर, और आपकी टीम के लिए बेस्ट बांग्लादेश टीम की तरफ से सबसे बेहतरीन पिक साबित हो जाएंगे, क्योंकि ये डेथ में बॉलिंग करेंगे, कटर्स के लिए जाने जाते हैं, विकेट टेकिंग बॉल्स हैं इनके पास, तो वेस्ट जिम्बाब्वे टीम्स के खिलाफ ही अच्छा खासा विकेट लेकर जाते हैं, लेकर जा सकते हैं, और CBC के लिए भी एक अच्छे विकल्प साबित हो जाएंगे। तस्कीन अहमद इनके खेलने पर अभी डाउट है, मतलब पूरा ये मतलब फिक्स नहीं है कि प्रॉपर प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे नहीं जगह बना पाएंगे, फिर भी इनके बारे में जान लेते हैं, स्विंग बॉलिंग करते हैं, डेथ में उतनी अच्छा बॉलिंग नहीं कर पाते हैं, हालांकि इधर रिसेंट परफॉर्मेंस में काफ़ी एक्सपेंसिव भी रहे हैं, कभी का विकेट भी लिए हैं, तो इररेगुलरिटी ज़्यादा रहती है इनके बॉलिंग में, तो आप कुछ कुछ फिक्स नहीं कर सकते, और इनका प्लेइंग 11 में भी जगह बनाना फिक्स नहीं, अगर खेले तो आप GL टीम में ट्राई कर सकते हैं। नसूम अहमद का खेलना फिक्स है, इनके साथ एक ड्रॉबैक ये रहेगा कि ये अगर दोनों लेफ्ट हैंडर्स आ जाएंगे क्रीज पे, अगर मान लो क्रेग इरविन और सीन विलियम से एक साथ बॉलिंग करने आज बैटिंग करने आ जाएंगे तो नसूम मोहम्मद के ओवर कट जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट के खिलाफ इतना बॉलिंग नहीं करते हैं, तो इस कारण से इनके साथ ये रिस्क इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, फिर भी स्मॉल लीग टीम में अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। शरीफुल इस्लाम काफ़ी बेहतरीन बॉलर, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, ये भी कटर्स फेंकते हैं, स्लोअर वन फेंकते हैं, तो वेरिएशंस करते हैं, डिसीव करते हैं बैटर्स को उसी वेरिएशंस में, तो ये भी डेथ बॉलिंग करने जाएंगे, और एक अच्छे पिक स्मॉल लीग के लिए, स्मॉल लीग टीम में आपके टीम के लिए हो जाएंगे, और उसके अलावा तो उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं। तो बांग्लादेश टीम काफ़ी मतलब बैटिंग लाइनअप में थोड़ी कमज़ोर दिख रही है, क्योंकि उनके अगर हम लोग मेन बैटर की बात करें तो लिटन दास
है जो कि इनकंसिस्टेंट है, और एक आफिफ हुसैन पे सारी निगाहें रहेंगी कि वो कैसा खेल दिखाते हैं। तो ये थी पूरे प्लेयर वाइज एनालिसिस दोनों टीमों की। अब हम लोग देख लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम। तो अब हम बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम के बारे में। विकेट कीपर सेक्शन बात करते हैं तो आपके लिए लिटन दास, रजिश चकाबा दो अच्छे इंपॉर्टेंट पिक है, दिख रहे हैं यहाँ पे, आप दोनों को ले सकते हो, मैंने अभी दोनों को रखा हुआ अपनी टीम में। अगर बैटिंग सेक्शन की बात करते हैं, आफिफ हुसैन, क्रेग इरविन आपके लिए मस्ट हैव पिक हो जाते हैं। फिर अनामुल हक, नजमुल हसन सैंटो दोनों एक लेवल के पिक, अनामुल हक आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, नजमुल हसन सैंटो वन डाउन, तो आप जिस दोनों में से किसी एक को रख सकते हो। मैंने नजमुल हसन सैंटो को रखा हुआ है क्योंकि उनका रिसेंट परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में काफ़ी जानदार रहा है। अब हम बात कर लेते हैं ऑलराउंडर में, तो जो सिकंदर रजा मस्ट हैव पिक, सीन विलियम्स मस्ट हैव पिक, महदी हसन मिराग भी एक अच्छे चॉइस हो सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हो रियान बर्न को लेना हो तो आप ले सकते हो, यहां पे आप लिटन दास को यहां से हटाकर या रजिश चकबा को हटाकर रियान बर्न पे रिस्क लेना चाहो तो रिस्क ले सकते हो। बॉलिंग सेक्शन में बात करते हैं तो आपको मुस्तफिजुर रहमान मस्ट हैव पिक, ल्यूक जांगवे मस्ट हैव पिक, शरीफुल इस्लाम को मैंने रखा हुआ है, नसूम अहमद को भी आप ट्राई कर सकते हो किसी की जगह शरीफुल इस्लाम की जगह, या आप इधर से किसी को आप वही यहाँ पे आप लिटन दास या रजिश चकबा इन्हीं में से दोनों को किसी हटाकर आप नसूम अहमद या रियान बर्न को रख सकते हो अपनी टीम की। अगर हम बात कर लेते हैं सी वी सी की चॉइसेस में तो सीन विलियमसन, सिकंदर रजा मोस्ट ऑफ द टीम्स के सी वी सी होंगे, और जो सी वी सी आप स्मॉल लीग टीम में रख सकते हो उसके ऑप्शन है मुस्तफिजुर रहमान और जी एल के सी वी सी, सब कुछ आपको हमारे cricinformer.com वेबसाइट पे दिख जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और अगर इसी तरह सारे लेटेस्ट अपडेट पाना है क्रिकेट से जुड़ी और फैंटेसी से जुड़ी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।